तो ये सबसे पहले मैं फर्स्ट जो लिंक दूंगी इसको आपको ले जाना होगा क्यू ब्राउज़र में। क्यू ब्राउज़र में पहले से ही आपका मेटामैक्स और आपकी जो केपलर वॉलेट है लॉगिन होना चाहिए, ठीक है। तो इस लिंक को इधर जाके पेस्ट कर दो। जैसे ही आप पेस्ट करोगे गाइस तो यहाँ पर आपको वॉलेट कनेक्ट करनी पड़ेगी, आपको मेटामैक्स एंड केपलर दोनों वॉलेट को यहाँ पर क्या बोलते हैं कनेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ। सो गाइस देखो इस पेज में आने के बाद नीचे साइड में आपको वॉलेट्स का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद देखो मेटामैक्स का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो मेटामैक्स पे क्लिक करना, आपको मेटामैक्स में रिडायरेक्ट किया जाएगा और आपको यहाँ पर नेक्स्ट करके सिंपल सा यहाँ पर कनेक्ट कर देनी है। जैसे आपकी मेटामैक्स वॉलेट यहाँ पर कनेक्ट हो जाती है, देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्ट हो चुके। अभी हमको कनेक्ट करनी होगी अपना केपलर वॉलेट, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करते हैं कनेक्ट, उसके बाद हमको केपलर पे जाना पड़ेगा। एक मिनट हम दिखा देते हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी लाइक उमी केपलर, सो आपको केपलर में जाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ एक करके, स्टेप वाइज आप लोग ऐसे ही कर लेना ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप केपलर में जाओ, यहाँ पर इस एरो पे क्लिक करो। केपलर में यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो उमी रहेगा, ठीक है। उमी को सिलेक्ट करो, करेक्ट सिलेक्ट कर लिया आपने। और जैसे ही आपने कलर सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर, अभी कनेक्ट पे क्लिक करो। अभी कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक मिनट जस्ट, सो देखो मेरे पास यहाँ पर अप्रूव ऑप्शन आ चुका है, तो इसको हम अप्रूव कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी ऑप्शन आ जाएंगे तो हम अप्रूव कर देंगे। जैसे मैं आपको लैपटॉप में दिखा देती हूँ क्योंकि कनेक्ट करने में इजी रहेगा, और अदरवाइज आप यंडेक्स या फिर आप क्यू ब्राउजर का यूज़ कर सकते हो फोन से कर रहे हो। तो सिंपली मैं वॉलेट में क्लिक करूँगी, यहाँ पर इथेरियम का नेटवर्क मुझे कनेक्ट करने की बोलेगा, आई मीन मेटामैक्स, तो इस पर क्लिक करूँगी और मेटामैक्स पर मेरा अप्रूवल जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट करके नेक्स्ट कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करके यहाँ पर सिंपल सा नेक्स्ट कर दूँगी। जैसे मैं नेक्स्ट करूँगी यहाँ पर कनेक्टिंग दिखाएगा और फिर मुझे यहाँ पर स्विच नेटवर्क करने के लिए बोलेगा, एक नीचे कैंसिल कर देती हूँ मैं इसको। और देखो यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो उमी केपलर कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल सा केपलर एक्सटेंशन का यहाँ पर ओपन करेंगे। अब यहाँ पर हमको जो इसका जगह है यहाँ पर उमी सेलेक्ट करेंगे। देखो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि कॉस्मो हब है तो उमी भी है, ठीक है। हमको जो जो है उस हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे उमी हमने सेलेक्ट कर लिया तो अभी उमी वाला ऑप्शन पे जाएंगे, इसमें कनेक्ट पे क्लिक करेंगे सिंपल सा, ठीक है। यहाँ पर देखो अप्रूव ऑप्शन मिलेगा, अप्रूव करेंगे फिर से, और एक बार अप्रूव ऑप्शन मिलेगा, अप्रूव कर देंगे, ठीक है। तो जैसे हो जाएंगे देखो यहाँ पर जैसे जैसे कनेक्ट होते जाएंगे साइड में आपकी एड्रेस भी शो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में क्या है, ऑस्मोसिस और जूनो है, तो हम फिर से यहाँ पर केपलर पे जाएंगे, केपलर पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमको ऑस्मोसिस सेलेक्ट करनी है और फिर ऑस्मोसिस को यहाँ से हमको करनी है अप्रूव, ठीक है। बहुत ही ईजी है गाइस, आप एक एक करके कर लोगे यहाँ पर। उसके बाद गाइस मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, यहाँ पर हो गई ये वाला, अभी जूनो को करना है। तो सिंपल सा हम फिर से जाएंगे यहाँ पर केपलर पे, केपलर पे जाने के बाद यहाँ पर हम फिर से जूनो सेलेक्ट करेंगे। ओके, ये रही जूनो हमारा, सॉरी कहाँ गई यार, ये रही जूनो। तो जूनो को हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे फिर से, ठीक है। बहुत ईजी प्रोसेस है, बस आपको ऐसे करके कनेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर सभी हमने कनेक्ट कर लिया। अब मैं बाकी की प्रोसेस यहाँ पर सिंपल सा आपको दिखाऊंगी फोन से। देखो नेक्स्ट स्टेप्स होगा कि इनका डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने के, तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने का लिंक मैं दे दूँगी, वहाँ पर जाना, सिंपल इस पर चले जाना। इस पर जाने के बाद सबसे पहले काम होगा, देखो इस टाइप के इंटरफेस आते हैं, तो आपको इस एरो पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर गाइस आपको इस पर क्लिक करके आईग्री पे कंप्लीट करनी होगी। जैसे कंप्लीट करोगे यहाँ पर थ्री लाइन मेनू पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद सॉरी इस पर क्लिक करने के बाद इनका जो सर्वर है इसको फाइंड करनी पड़ेगी, तो इसको मैं फटाफट फाइंड कर लेती हूँ। सो देखो ये रही इनका सर्वर और ये इनका चैनल है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वेरीफाई ऑप्शन पे जाना पड़ेगा और यहाँ पर स्टार्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे स्टार्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो इन लोग बोल रहा है कि प्लीज सिलेक्ट प्लैनेट ऑन द मेनू बिलो, मतलब यहाँ से आपको मेनू मिलेगा, इसमें से आपको प्लैनेट चूज करनी पड़ेगी। यार हद है, शिट, मुझे जल्दी करनी पड़ेगी, तो फिर से एक बार मैं ट्राई करती हूँ। साथ में गाइस आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है, जो भी इसमें है इसमें एक दो में आप कर देना, ठीक है। उसके बाद आप चले जाओ यहाँ पर वेरीफाई पे, वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक कर देना होगा। तो प्लैनेट वाला कौन सी है, ये वाला प्लैनेट, ठीक है। तो सक्सेसफुल हम वेरीफाई हो चुके हैं। अभी सबसे पहले काम होगा इनकी चैनल में से आपको जाना पड़ेगा, एक ऑप्शन मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ज्वाइन हियर का, ठीक है। ज्वाइन हियर पे जाना होगा और फिर आपको इस पर रिएक्ट करना पड़ेगा, इस ऑक्टोपस पर, ठीक है। और यहाँ पर आप इस पर कर देना, ठीक है, बाकी और ज़रूरत नहीं है। जैसे आप इस पर रिएक्ट कर दोगे तो यहाँ पर रिएक्ट करने के साथ साथ आपको की उमनी मनिया फॉसेट करके ये वाला आ जाएंगे। यहाँ पर देखो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, मतलब फॉसेट के लिए आपको रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा, ठीक है। कैसे फॉसेट का रिक्वेस्ट करोगे, चलो मैं बता देती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा यहाँ पर ए वाला साइन और साथ में रिक्वेस्ट, उसके बाद एक छोटा सा स्पेस देना पड़ेगा। अभी आपको अपना एड्रेस कॉपी करनी पड़ेगी, एड्रेस कहाँ से मिलेगा, इसके लिए आप चलिए अपना केपलर एक्सटेंशन में, यहाँ पर सबसे पहले जो जो अपनी वॉलेट कनेक्ट किया उसको एक एक करके कॉपी करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले है उमी वाला, ठीक है, उमी वाला का हम इस पर क्लिक करते हैं और इस एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो हमारा एड्रेस कॉपी हो जाएंगे। लास्ट में एसएम है तो इसको हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। फिर से हम यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट, ओके, और सॉरी यहाँ पर रिक्वेस्ट और इसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, एक साथ लिख देना, ठीक है। और उसके बाद आपको फिर से कॉपी करना पड़ेगा कॉस्मोस हब वाला, ठीक है, कॉस्मोस हब वाला, ठीक है। तो ये हो गई कॉस्मोस हब वाला। तो ऐसे करके फटाफट मैं चारों का चारों नोट कर लेती हूँ। तो जो लास्ट है जूनो वाला, इसको भी चलो हम कॉपी करके आपको दिखा देते हैं। इस पर एक बार टैप करना, यहाँ पर आ जाएंगे। तो इन सारे को हम ऐसे यहाँ पर कट कर लेंगे, ठीक है। कट करने के बाद सिंपल सी आ जाएंगे यहाँ पर इनका डिस्कॉर्ड में। डिस्कॉर्ड में आने के बाद आप एक साथ भी भेज सकते हो, अलग अलग करके भी भेज सकते हो, फिर सेंड कर देना, ठीक है। सेंड करने के बाद एक मिनट का यहाँ पर टाइमर चलेगा, तब तक अगर आती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग कुछ एक डेढ़ घंटे तक वेट कर लेना गाइस, ठीक है। नहीं तो आप एक रिक्वेस्ट भेज सकते हो, ठीक है। अभी चलो मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ नेक्स्ट कैसे करनी है। तो गाइस देखो यहाँ पर 5 से 10 मिनट के अंदर आपके यहाँ पर जो टेस्ट नेट वाला टोकन आ जाएंगे। यहाँ पर देखो मेरे पास जूनो वाला आ गई है, बट बाकी नहीं आया। बाकी क्यों नहीं आया मैं उसका भी ट्रिक बता दूंगी, कैसे आपके पास जल्दी आ जाएंगे। जैसे कि ये वाला भी आ गई है, आई थिंक ओमनी वाला, तो उसका ट्रिक मैं फटाफट आपको चलो बता देती हूँ। सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपकी जो एड्रेस है उसको एक साथ चारों मत भेजना। ये देखो यहाँ पर जो लोग यहाँ पर एक एक करके एड्रेस भेज रहे हैं ना, एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ देखो रिक्वेस्ट और कॉस्मो वाला, ये अगर मैं भेज दूँ ना तो गाइस मुझे यहाँ पर बहुत ही जल्दी अपना टेस्ट नेट का फॉसेट मिल जाएंगे, समझ गए। तो आप एक एक करके भेजना,
इसके बाद सिंपली हमको और एक फॉसेट यहाँ पर क्लेम करनी पड़ेगी कि गॉर्डली करके समथिंग कुछ है, तो इसका फॉसेट कैसे क्लेम करोगे, तो इसके लिए आप अपना मेटामास्क अकाउंट पर आ जाना, प्रोफाइल पे क्लिक करना, यहाँ पर सेटिंग्स पे एक बटन मिलेगा, जैसे आप सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो एडवांस वाले एक बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करना, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा टेस्टनेट नेटवर्क, तो इसको ऑन कर देना, ठीक है। जैसे ऑन कर दोगे तो यहाँ पर आपको ये वाला नेटवर्क सेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मेटामास्क का एड्रेस इधर से कॉपी करो गाइस, ठीक है। कॉपी करने के बाद चलो इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेती हूँ, ठीक है। इस पेज में आने के बाद यहाँ पर आपको अपना इथेरियम का एड्रेस को यहाँ पर पेस्ट कर देनी पड़ेगी। उसके पहले यहाँ पर आपको लॉगिन साइनअप के लिए बोल रहा है, तो चलो फटाफट हम कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर बोल रहा है कि मेल वेरीफाई करने के लिए, तो चलो चलो वो भी कर लेते हैं। अरे क्या आ गई। सो गाइस देखो, जैसे आप यहाँ पर लॉगिन कर लेते हो, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर जो एड्रेस आपने कॉपी किया था, ठीक है, उसको यहाँ पर पेस्ट करके सेंड मी ETH पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर गाइस इथेरियम मिल जाएंगे कुछ टाइम वेट करने के बाद। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, कुछ और क्या बोल रहा है, तो थोड़ा देर हम वेट कर लेते हैं, चेक करते हैं हमको मिली है कि नहीं। सो गाइस देखो, फाइनली 0.1 टेस्ट नेट का इथेरियम मिल चुका है। तो टेस्ट नेट का जो हमको फर्स्ट मिलता है, अमाउंट मिलता है, सिर्फ हम यूज़ के लिए ही यहाँ पर, मतलब टेस्ट नेट अप्लाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बाकी विड्रॉल वगैरह बैंक में ये सब नहीं होते। तो जिनके अंदर ये भ्रम है कि इसको हम विड्रॉल करके बहुत सारे पैसे ले लेंगे, तो ये सब नहीं होते, ये भ्रम दूर कर लेना, ठीक है। अभी चलता टेस्ट नेट को कैसे अप्लाई करना है, तो इसको मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाऊंगी, क्योंकि मोबाइल में ना कनेक्शन में थोड़ा सा इशू आ रही है, तो इसके लिए मैं अपना लैपटॉप पर दिखाऊंगी। चलो सो गाइस, इसके लिए फिर से आप चले जाओ अपना टेस्ट नेट वाले पेज में। पेज आने के बाद यहाँ पर से आप एयरड्रॉप वाले पेज में आ जाते हो, यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन आएगा मार्केट का, तो मार्केट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो भी टेस्ट नेट का टोकन मिलेगा वो मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर देखो ट्रांसफर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, तो ट्रांसफर पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। उस यहाँ पर सिंपल हम ट्रांसफर पर क्लिक कर लेते हैं। ट्रांसफर पर क्लिक करने के बाद गाइस देखो, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी होगी कितने परसेंट, तो मैं फिलहाल के लिए 59 समथिंग कर देती हूँ। ट्रांसफर पर क्लिक करना पड़ेगा। ट्रांसफर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कंफर्म करने का ऑप्शन मिलेगा, तो चलो यहाँ पर अप्रूव कर देती हूँ। सब कुछ फ्री है इसमें, आप लोगों की कोई भी पैसा नहीं लगेगा। जैसे हमारा एटम यहाँ पर ट्रांसफर कंप्लीट हो जाती है, हम ट्राई करेंगे, देखो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल आ गई। अभी हम जूनो को ट्राई करेंगे, तो जूनो में भी हम सेम एज यहाँ पर ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे, सेम एज इसमें भी हम 30 समथिंग कर देते हैं, ठीक है, इतना कर देते हैं, ठीक है। फिर ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे और इधर से हम अप्रूव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल दिख जाएंगे। इसके बाद ऑस्मो और उमी पे भी सेम तरीके से कर लेते हैं। चलो उसके बाद जैसे आप चारों यहाँ पर सप्लाई ट्रांसफर कर लेते हो, आपको यहाँ पर डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना, नीचे एक सप्लाई का बटन मिलेगा, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर सप्लाई के ऑप्शन से भी आ सकते हो। तो यहाँ पर सिंपल सा आप लोग यहाँ पर सप्लाई पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एटम, जूनो और उमी वाला मेरे पास नहीं है, तो ये तीनों का मैं यहाँ पर कलेक्टर ऑन करके दिखाऊंगी, तो इस पर क्लिक करूंगी। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस चलो इस पर क्लिक कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर इनेबल का ऑप्शन मिलेगा, इनेबल मैं कर दूँगी, और यहाँ पर अप्रूव का बटन मिलेगा, तो इनसफिशिएंट बैलेंस दिखा रही है यार, ये देखो यहाँ पर रिजेक्ट का ऑप्शन, बट अप्रूव वाला बटन नहीं दिखा रही है, यही दिक्कत है बस। शिट, ओके मैं ट्राई करके बताती हूँ। सो गाइस देखो, यहाँ पर जूनो में यहाँ पर हो रही है, तो जूनो का ही मैं दिखा देती हूँ, बाकी सब आप कर लेना। यहाँ पर टेस्ट नेट के एड्रॉप इसलिए कुछ दिक्कतें आ रही है, तो मैं इसको अप्रूव कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर इनेबलिंग दिखा, ये देखो इनेबल हो चुका है। अभी ऑस्मो वाला भी ट्राई कर लेती हूँ। चलो यहाँ पर बस क्लिक करना होगा। अब अगर फोन से ट्राई कर रहे हो तो डेफिनेटली यनडेक्स ब्राउजर के यूज़ करना, वहाँ पर कभी कभी आपकी पेज वापस आ जाएंगे, फिर से आपको एयरड्रॉप वाले पेज में चले जाना पड़ेगा। तो फिर से एक बार एटम को भी ट्राई कर लेती हूँ। चलो ठीक है, तो इसमें भी आप लोग का बटन मिल गई है, ठीक है गाइज। अगर आपको यहाँ पर फी का इशू आ रही है, तो फिर से आप लोग एड्रेस डिस्कॉर्ड में भेज देना, उधर से आपको कुछ अमाउंट मिल जाएंगे, जिससे आपकी फी पे करने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। मैंने फिर से भेज दिया, तो मुझे फिर से यहाँ पर फी के लिए कुछ अमाउंट मिल गया, और सबका मैंने कलेक्टर यहाँ पर अप्रूव कर दिया, देख सकते हो, ठीक है। और जैसे सप्लाई वाला ऑप्शन कंप्लीट हो जाता है, अभी आपके पास ऑप्शन आएगा यहाँ पर, जो कि है मुझे दिखानी है बोड़ो का, ठीक है। तो आपको सिंपली बोड़ो पे क्लिक करनी पड़ेगी। बोड़ो पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा दूँ सबसे पहले, उसके बाद मैं एक एक करके बताती हूँ। सो गाइस देखो, जैसे आप लोग कलेक्टर को यहाँ पर ऑन कर लेते हो, यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे सप्लाई वाला बटन, ठीक है। सप्लाई वाले बटन पर अभी आपको क्लिक करनी पड़ेगी, ठीक है। देखो सबका कलेक्टर अभी आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी अभी यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेगा, एक तो है सप्लाई, दूसरा है विड्रॉल। आपको एक बार सप्लाई करना है, एक बार विड्रॉल करना है, तो चलो फटाफट हम कुछ परसेंटेज यहाँ पर सप्लाई पे दे देते हैं, समथिंग इतना कुछ 25%, ठीक है, 25 नहीं 30% कर देते हैं, 30% समथिंग यहाँ तक आ जाओ, तो यहाँ तक एकदम यहाँ तक कर लेते हैं। चलो सप्लाई पे क्लिक करते हैं, सिंपली यहाँ पर अप्रूव का बटन आएगा, ठीक है। यहाँ पर चलो अप्रूव पे क्लिक कर देते हैं। थोड़ा सा मुश्किल होगा, कभी कभी आपके लिए एरर आ सकती है, बट ट्राई करते रहना, हो जाएंगे। जैसे आप सप्लाई पे क्लिक कर लेते हो, देखो यहाँ पर सप्लाई का ऑप्शन पे आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर चारों का चारों में सप्लाई पे कर लेती हूँ, ठीक है। अभी देखो चारों को मैंने सप्लाई ऐड कर दिया, फिर से अभी हम विड्रॉल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो विड्रॉल का एक बटन मिलेगा, सिंपली एक मिनट, यहाँ पर विड्रॉल पे जैसे यहाँ पर इस पर जैसे आप क्लिक करोगे, विड्रॉल का भी ऑप्शन मिलेगा, तो विड्रॉल पे हम क्लिक करेंगे और सभी विड्रॉलिंग करेंगे हम 50% तक ही उससे विड्रॉल करेंगे, ताकि ये भी लगे कि हम सप्लाई भी किए थे और कुछ इधर से विड्रॉल भी किए हैं, ताकि हमको लगे कि मतलब हम हर एक फीचर को यूज़ किया है। यही इनका टेस्ट नेट का मोटिव है, ठीक है। कुछ ट्रांजेक्शन फेल आ रही है गाइस, तो मैं ट्राई करती हूँ विड्रॉल करने की, यहाँ पर समथिंग कुछ इसको तो सप्लाई और विड्रॉल कर लेंगे, चलो ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर अप्रूव भी कर देते हैं यहाँ पर, और उधर ट्रांजेक्शन भी दिख रहे हैं विड्रॉलिंग, और यहाँ पर फेल्ड समथिंग कुछ आ रही है गाइस, तो कुछ देर बाद मैं ट्राई करके कर लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर चलो मैं विड्रॉल, मेन मोटिव कि आपको सप्लाई भी करना है और आपको विड्रॉल भी करना है, तो प्रोसेस तो आपको समझा दिया, आपको बस कर लेनी है। अप्रूव मतलब कि फील्ड आ रही है, तो कुछ देर बाद ट्राई कर लेना, ठीक है। तो ये आपको मैंने दिखा दिया, ये चीज़ आप लोग कर लेना, जैसे ये कंप्लीट हो जाता है। अभी बोड़ो का ऑप्शन पे आ जाओ, बोड़ो का, ठीक है। बोड़ो पे जैसे क्लिक करोगे, सारी चीज़ आ जाएंगे, ये सारी चीज़ तभी आएंगे अगर आपने सप्लाई प्रोवाइड किया हो, ठीक है। तो इस पर क्लिक करना, इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ परसेंटेज यहाँ पर बोड़ो करनी पड़ेगी, कुछ रिपे करनी पड़ेगी, बट ये फीचर तब आएगा जब इधर से आप विड्रॉल करोगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे करना है, आप ये सारी चीज़ कर लेना। फिलहाल टेस्ट नेट का है, इसीलिए कुछ एरर वगैरह आ रही है, ठीक है। तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको पहले से बता दिया। सबसे पहले आपको
डिपॉजिट कलेक्ट करनी पड़ेगी, फिर मार्केट में जाकर आपको ट्रांसफर करनी पड़ेगी। जैसे आप मार्केट में चले जाते हो जाते हैं, उसके बाद कलेक्टर को यहाँ पर आपको एनेबल करनी है, ठीक है। एनेबल करने के बाद पहले आप लोग कलेक्टर इनेबल कर लेना, फिर सप्लाई पे सप्लाई करना और फिर कुछ कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लेना, और जैसे विड्रॉ कर ले तो फिर बोरो में आके एक बार बोरो करना, एक बार रिपे करना, बस इतना सा चीज़ है, ठीक है। उसके बाद मैं एक फॉर्म का लिंक दे दूंगी, उस फॉर्म को आप लोग फिल कर देना। फॉर्म का लिंक गाइस इसको फिल कर लेना कि कौन सी आपको यहाँ पर बग या फिर आपको प्रॉब्लम्स आई हो, और डिस्क्राइब कर सकते हो कितनी बार आपको यहाँ पर इशू आई है, आप एक बार, एक से ज़्यादा और हर बार। उसके बाद एरर का स्क्रीनशॉट दे देना यहाँ पर। उसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन में आपको आई है उस ट्रांजेक्शन पर क्लिक करके उधर से आप ट्रांजेक्शन हैश को कॉपी करके डाल सकते हो, डिस्कॉर्ड आईडी मास्टर मास्टर सबमिट कर देना, ठीक है। ये सबमिट कर देना गाइस, और देखो अगर आपको टेस्टनेट के एरर को अप्लाई करनी है, एरर आ रही है, क्योंकि टेस्टनेट में एरर आ ही जाते हैं, ठीक है, तो आप थोड़ी देर बाद ट्राई करना गाइस, क्योंकि मुझे भी दिक्कत आ रही, दो तीन दिन से मैं इसके पीछे पड़ी हुई हूं और अभी तक मेरा कंप्लीटेड नहीं है, तो समझ ही सकते हो। तो ट्राई करते आपको रहना पड़ेगा, जैसे ना जैसे भी करके आपको कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। और टाइम है अभी भी, जब खत्म होगा मैं इसको पहले आपको बता दूंगी, बट कोशिश करना जल्दी जल्दी कर लेना, पहले तो फर्स्ट कलेक्ट कर लेना। और गाइस ट्राई करना कि इसको 4-5-10 आईडी से कर लेने की, क्योंकि लास्ट टाइम ही एरर गाइस $70-80 करके पर अकाउंट में प्रॉफिट देकर गया था, तो इस बार भी कम से कम $50 का तो इधर से हो ही जाएंगे। अगर आप 10 आईडी से करोगे तो $500 का इजीली हो जाएंगे। इस हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि आप लोग जरूर टेस्टनेट का इस एरर को ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।